Yo. मैं यहाँ क्लास की बात कर रहा था और तुम ढोल बजाते हुए आए हो, शर्म नहीं आती? सर मैं नहीं आया, मेरे गांव वालों को जब पता चला मैं फिल्म फेयर होस्ट करने जा रहा हूँ, ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स 2014, तो फिर इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, मेरे को छोड़ने आ गए। तुम लेट नहीं, जल्दी आए। Why? तुम्हारी फिल्म अगले साल रिलीज हो रही है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर अगले साल आऊंगा ना, अवार्ड लेने आऊंगा, इस समय मैं आपका को हॉट हूं। क्या? को होस्ट कहते हैं कभी? जो भी है सर, आपने इतनी इंग्लिश आई, थोड़ा आप अपनी तरफ से भी समझिए ना, सारा कुछ मेरे पे छोड़ रखा आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना। आई मीन वी आर लाइक पोल्स अपार्ट, हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोल रही है, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी ना किसी के घर। मेरे कहने का मतलब था कि वी आर रियली पोल्स अपार्ट। पोल्स बीच में कहां से आ गए? पोल डांस की कोई बात नहीं हुई थी मैं। Oh God, why am I even talking to you in English? Why am I wasting my time? आपको नहीं बोलनी इंग्लिश, मत बोलिए, मैं बोल देता हूँ। मुझे तो बोला गया था मेरे साथ कोई बड़ा सुपरस्टार होस्ट करेगा। सर मुझे भी यही बोला गया था कि आपके साथ बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी, पर मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे ली, मैंने सोचा आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम थोड़ी है सर। मतलब आप बड़ी बड़ी हीरोइन को मौका देते हैं सर? उन्हें काम देता हूँ जी, पर तुम्हारे साथ मैं शो होस्ट नहीं कर सकता। I'm so classy, you're so massy. करण सर जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं बिना कपड़ों के हुआ था। आप जब पैदा हुए थे आपके टक्सीडो पहन के हुए थे सर, आप बाथरूम जाते खुद ही जाते कि सेक्रेटरी रखी हुई सर? मैं डकार लेता हूँ खाना खाने के बाद, आप बर्फ लेते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही ना, मेरे मुंह से पराठे की स्मेल आती है, आपके मुंह से पास्ता की स्मेल आती है। मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती कभी, कहीं और से आती होगी, लेकिन आती तो होगी ना सर। किसी समझदार ने सही कहा है कि मूर्ख से बात करने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है। जब मैं आपसे बात करने के लिए समझदार बन सकता हूं, तो आप मेरे से बात करने के लिए मूर्ख नहीं बन सकते सर। But you happen, man. आप हमेशा क्लासिक क्लासिक, थोड़ा मास से जुड़िए सर, मास के साथ। दिखाई नहीं देता, काफी मास से जुड़ चुका हूं मैं। मेरी फिल्में ऐसी हिट नहीं हुई, मासेस की वजह से चली है। बट आई कांट होस्ट द शो विथ यू, मैं अभी ऑर्गेनाइजर से बात करते आ रहा हूं। आई एम फेड अप, आई कांट डू दिस, नॉट विथ यू कपिल, नेवर। Come on, man. So jealous. ये करण सर का मुझे बिहेवियर समझ में नहीं आया, कहते मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ होस्ट कर रहा हूँ, दो महीने से प्रोमो चल रहे हैं कि आपको अभी इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, पर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है बड़े आदमी प्रोमो शूट करके भूल गए हो। एनीवेज लिव इट, मैं जब फिल्म फेयर देखता था घर पे बैठ के, तो मुझे ये लगता था कि यहाँ का माहौल जो होता है बड़ा कूल होता है, सब एक्टर्स बड़ा कूल तरीके से बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि हर आदमी अपनी अलग ही टेंशन में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारी अभिनेत्रियों की, इनको अवार्ड मिलने से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि मैंने पहन के क्या जाना है। ये जितना डिजाइनर्स का दिमाग खाती हैं, लिसन द लास्ट टाइम प्रियंका वाज बेटर, इस समय मेरी होनी चाहिए मैम, ये चलेगी? नहीं नहीं, ये तो दो साल पहले दीपिका ने पहनी थी, समथिंग एल्स। और मेरी फिगर सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, यहाँ पे साइड पे थोड़ा काला कपड़ा डाल देना, मेरी टमी कम नजर आएगी। ओके, इतना कंफ्यूज करती हैं ड्रेस डिजाइनर्स को कि एन मौके तक इनकी ड्रेस नहीं बन पाती, कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, वो फिर जैसी बनी होती वैसी भेज देते हैं, कईयों की स्लीव्स नहीं होती, कईयों की बैक नहीं होती, फिर वैसी पहन के आ जाती है, हमें लगता है फैशन है। एक बार मैंने खुद देखा, एक रेड कारपेट पे हीरोइन चल के आ रही थी, उनकी ड्रेस के पीछे हैंगर लटका हुआ था, और डिजाइनर बोला बेबी इट्स नॉट ए हैंगर, इट्स ए जिप्स हुक, आई जस्ट इन्वेंटेड। टेबू जी आप हंसती हुई बड़ा अच्छा लगती, लेकिन हंसी अंदर मत रखा करें, इसको बाहर आने दीजिए, दिल के गुबार को। फिल्म में जैसी मर्जी करें, हैदर में चाहे जैसे मर्जी रोल करें, अवार्ड फंक्शन में आती लग रही है कहीं से भी शाहिद की मम्मी, तब्बू जी को देखो यार। अगर ऐसी आप उस फिल्म में बनती ना, तो शाहिद और केके मैंने लड़ मर जाते। खैर ये बातें चलती रहेंगी, मेरे को होस्ट कहाँ चल, अरे आई मैम आई यू मिसिंग मी टेरिबली। सर आप तो छोड़ के चले गए थे। हाँ आप बड़ा डिजाइनर कपड़ों की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे थोड़ा मजाक मस्ती चल रही थी। Even you are wearing very nice suit. Yeah, congratulations. But I've agreed to host the show with you now, Kapil. अच्छा, प्रद्युमन भी बन सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रद्युमन बन सकते हैं आप? हाँ, दरवाजा तोड़वाएंगे? दरवाजा तोड़ो दाया, मुझे लगता है कुछ हैपनिंग है। सर वो बाहर का दरवाजा तोड़वाते, आप अंदर वाला तोड़वा रहे। मेरा अंदर का दरवाजा कब का टूट चुका है कपिल। Let's now begin. Let's not talk about all these things. Let's go on with the proceedings. Hello, everyone, and very good day to you.
गुड डे नहीं, इट्स नाइट टाइम। गुड डे की बात क्यों कर रहे हो? सर आप बड़े लोग हैं, आप फिल्मों से पैसा कमा लेंगे, ये स्पॉन्सर लोग हैं। मैंने कुछ नहीं ना बोला तो ये पैसे मेरे यही काटेंगे, ब्रिटानिया 50-50 वाले। गुड डे का प्रोडक्ट है। गुड डे टू यू, वेरी गुड डे। तुम्हारा होता है सर ऐसे, करना पड़ता है। ओके, आपके साथ पीके भी जो है वो नॉमिनी थे, प्लीज उनके ड्रेस डिजाइनर को बता देना कि रेडियो इज नॉट अ ड्रेस। तुम भी फिल्म कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अगले साल तुम्हें अवार्ड मिलने के कई चांसेस हैं? 50-50 सर। आई लाइक दैट ऑनेस्ट आंसर, आई लाइक दैट। नहीं अवार्ड तो 100% मिलेगा सर, स्पॉन्सर भूल गए आप, ब्रिटानिया 50-50। चलिए, की फिल्म सबसे एंटरटेनिंग लगती है सर मुझे बचपन से ना मारधाड़ वाली फिल्में अच्छी लगती है, जब मिथुन दा ऐसे ऐसे जय माता दी बोल के ऐसे पीछे चढ़ जाते थे ना सीधा सीधा 21वें माले पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया सर, मेरा हुआ नहीं, एक्शन हुआ नहीं, मेरे टखने पे चोट लग गई बेटा। व्हाट इज टखना? टखना इज अ पार्ट व्हिच कम्स आफ्टर द घुटना। हां, इट्स कॉल्ड, यू मीन एन एंकल, इट्स कॉल्ड एन एंकल। व्हाट एंकल? एंकल बोलने से दर्द कम नहीं होता सर, उतना रहता है। कम ऑन, स्पीक टखना अभी, मैसी मैम, मैसी। You wish. Anyway, तुम्हें एक्शन फिल्म पसंद है तो चलो देखते हैं इस साल ब्रिटानिया फिल्म पर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन किसे मिलता है। I have a question in my mind. May I ask you? What is bang bang? You mean in Hindi? Hindi? जी. ठोकना ठोकना. Anyway, to present this award, you must announce yes. these names. And to present this award, we would like to invite on stage, yes, of course, my debut directors, Mr. Abbas Mastan. Hi Karan, Kapil. Hi, how sir, are you, कैसे sir? आप इनके लिए जोरदार तालियां, बास सर के लिए, मस्तान भाई के लिए। थैंक यू सर। सर मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड अनाउंस करने से पहले आप मेरी थोड़ी तारीफ कर दें कि मैंने कितना अच्छा काम किया सर। मैंने बहुत अच्छा किया है, ऑलमोस्ट फिल्म कंप्लीट हो गई, कल ये गाने बाकी है, एंड इज सो सो स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात यह है कि हमको लगा कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो कैमरा सामने होगा तो कैसे करेंगे वो, लेकिन इतने फैमिली है, कैमरा फ्रेंडली, कि हम लोग समझते थे कि खाली यहाँ शो के अंदर ऐसा करते, लेकिन इज वेरी गुड इन थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगा कि इस कैटेगरी में जो विनर्स हैं वो अनाउंस करें, प्रेजेंट दिस अवार्ड। मैं उससे पहले एक बात कहनी चाहूंगा सर, एक स्पेशल अवार्ड आपका बनता है, जितने डिफिकल्ट नाम आपने आज लिए हैं, थैंक यू, बेस्ट प्रोनाउंसिएशन अवार्ड आपका जाना चाहिए। और इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अलंकृता सहाय, मिस दिवा अर्थ 2014 एंड नील नितिन मुकेश। गुड इवनिंग टू गॉर्जियस होस्ट्स। Oh. Thank you so much for entertaining and us. And what about Karan sir? Okay. इनसे सवाल पूछना है। इनसे? Ma'am, excuse me. Kapil would like to have a word with you. नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं। ये जो क्राउन जब मिलता है, ऐसे मतलब इसको लगाना पड़ता है हर बार? पहली बार ही लगाया है मैंने एक्चुअली इंडिया में आने के बाद। आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। आपने साड़ी बहुत अच्छी बांधी है। मेरी डिजाइनर, माय डिजाइनर विल किल यू अगर उन्होंने ये सुन लिया। बट यस ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ नाइस आउटफिट इज़न्ट इट? या वेरी नाइस। नहीं मैं देखिए, इट्स लाइक अ पट्टा पावड़ा, डोंट गो विद वर्ड्स, जस्ट गो विद द फीलिंग्स। आई कॉल दिस साड़ी बट इट डजंट मीन दैट आई एम एक्चुअली यू नो व्हाट आई मीन। व्हाट डू यू मीन? दीस ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स डजंट मैटर, द मैटर व्हाट इज इनसाइड दिस साड़ी। यू मीन हर सोल, क्योंकि तुम ही हो। देखिए मेरा नाम रूही है एंड रूही का मतलब होता है रूह, सोल, सो थैंक यू। आई थिंक मेरी रूह इतनी खूबसूरत है शायद। यस रूही, आप बहुत खूबसूरत। वेल डन, थैंक यू। पर बीच बीच में ना ऐसी बातें हमें करनी पड़ती हैं, नहीं तो कहेंगे नो दुआ। आगे बढ़े या प्लीज? हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ये सब आपने हंसाने के लिए किया? नो नो, इट्स माय लस्ट, माय फीलिंग्स, सॉरी। आप जाइए, आई थिंक मुझे लगता है सर, नहीं मेरे को, नहीं नहीं मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। हाँ। मुझे एक्चुअली ब्रिटानिया ने बहुत सारी चीजें दी हैं खाने पीने के लिए। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे भी आता रहूंगा, मैं तो मस्ती मजाक करने के लिए आया सर। जी बिल्कुल। मैं चिक्की बाइट लेके आऊँ? बिल्कुल, ब्रिटानिया की। थैंक यू। पक्का? पक्का। आप संभाल लोगे, आप डरना नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू।
कुछ नहीं है, ये जो ब्लैक कपड़ों में लड़की आती है ये इनके रिलेशन में फिल्म फेयर वाली जो लेडी है वो ब्लैक लेडी का जो ऐसे खड़ी रहती है उनके रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा उसके भी हर्निया में प्रॉब्लम हो जाएगी किस दिन? क्यों? काफी सालों से ऐसे खड़ी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। करण सर बॉम्बे वेलवेट में आप विलन बने हो जी। मैं ऐसा सोचता हूं कभी कभी कि अगर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल करण सर ने किया होता तो कैसे करते, कितना मजा आता सर। कपिल वैसे विलन पहले के जमाने में होते थे, मैं बहुत ही कूल और स्टाइलिश विलन बना। नहीं फिर भी एक बार आप बोलेंगे तो मजा आएगा सर, देखने को मिलेगा ऑडियंस को कि एक अलग फ्लेवर कैसे आएगा। मैं काम करता हूँ, मैं डायलॉग बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। ओके सुअर के बच्चों वो दो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इतना सा डायलॉग सर। मुझे तो शोले का एक ही डायलॉग अच्छा लगता है। कौन सा? कितने आदमी थे। अगला अवार्ड है ऐसे डायलॉग्स के लिए। सर मुझे पता नहीं कभी कभी क्यों लगता आपके अंदर ना कोई बहुत शरारती लड़की छुपी हुई है। लो पहले कपिल गायब हो गया, फिर अर्जुन गायब हो गया, अब किसको बुलाऊं को होस्ट करने ये शो? यू कैरी ऑन ब्रो, आई एम हियर। वुड यू लाइक टू ईट सम बिस्किट्स? तुम वहां क्या कर रहे हो कपिल? दो लड़कियों के पीछे खूबसूरत नौजवान लड़का क्या करता था? आई एम एंजॉयिंग द ब्रिटानिया हेवन बिस्किट मेरे हाथ में है, एंजॉय कर रहा हूं मैं। तुम होस्ट हो कपिल, तुम्हें यहां होना चाहिए। नहीं नहीं सर मैं लड़का भी हूं, मुझे यहां भी होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो जो जितना ज्यादा वक्त यहां गुजारता है उनको ज्यादा पेमेंट मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ वुड यू लाइक टू सम बिस्किट्स? ये आपने मुझे पहले क्यों बताया करण सर? व्हाट आर यू डूइंग मैन? या व्हाट आर यू डूइंग? मेरे को पहले बता दे तो मैं तो कम बैक ब्रो, दिस इज वेयर मैन बी। ओह ये सब क्या है कपिल, क्लासी ऑडियंस के बीच में तुम बैठ के बिस्किट खा रहे हो और ऑफर भी नहीं किया किसी को। सर मैं तो कहीं पे भी कुछ भी खा लेता हूँ। आप मेरे को बात बताइए, आपने कभी सड़क पे खड़े होकर पानी पूरी खाई है? व्हाट पानी पूरी सड़क पे? डोंट सी नो वे, पानी पूरी सड़क पे मिलती, फ्लाइट में थोड़ी ना देते सर। मुझे पता था आपने कभी सड़क पे खड़े होकर पानी पूरी नहीं खाई होगी, इसलिए मैंने सड़क वालों को यहाँ पे बुलाया। मेरा एक दोस्त है पानी पूरी वाला। ए बिशंबर, बिशंबर, अरे डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन हैंड बेस्ट फ्रेंड। ही लव्स गॉड। ये पानी पूरी वाला आपका फ्रेंड है? जी सर। अच्छा अब पानी अभी आया इसके पास, पहले पूरी पूरी होती थी। इसमें वेरी फास्ट फ्रेंड सर। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए सर आप ट्राई तो कीजिए। मेरे फ्रेंड्स कुछ अलग टाइप के हैं रियली कपिल, यू नो आई डोंट हैव आई डोंट फ्रैटरनाइज विद दीस टाइप ऑफ पीपल। अरे कोई ना, आप लोग आपस में बतियाते रहेंगे कि हमारा पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी सर को टेस्ट कराइए। हाँ। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, पता नहीं पानी कहाँ से भर के आए। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम बहुत चोटी के पानी पूरी वाले हैं। हाँ सही है कि वैसे हम सरकारी नलके से ही पानी भरते, लेकिन हमको मालूम रहा कि आज आप खाने वाले इसने फिल्टर वाटर यूज किया है। yes. अरे घोल के जो खट्टा बनाया आपके लिए स्पेशल चक्के, देखिए। मैं खट्टा क्यों खाऊं? मैं प्रेग्नेंट हूं। करण सर वैसे आप बड़ा बोलते क्लासी, आपको कैसे पता कि खट्टा प्रेग्नेंट औरतों को अच्छा लगता है? देखिए एक बार बताते, आप ना निश्चिंत हो के हमारा पानी पूरी खाइए, आपको मालूम नहीं पूरा इंडस्ट्री को खिलाते हैं। अरे एक बार बच्चन साहब खुद आए रहे हमारे पास। अच्छा। और बोले कि अरे सुनो ये वाला पानी पूरी खिलाओ। हम देखे और बोले भाई साहब जरा झुक के देखिए, ये तो मटका है। और अनुष्का शर्मा जो है, अरे वो जो बचपन में छोटी रही तो बहुत जोर पानी पूरी आवार खात रही। जब छोटी थी तो अनुष्का भी खाती थी। अब कौन सा बड़ी हो गई है? पानी पूरी से आधा किलो वजन ज्यादा है उसका। देखिए उनके लिए कुछ मत बोलिए, हम बहुत बड़े फैन है, फैन का एसी है, हम उनका कोई पिक्चर नहीं छोड़े। तीन दिन पहले सोनी टीवी, कौन सा टीवी था, उसमें आ रहा था एक पिक्चर और हम गोटा दिन बैठ के पिक्चर देखे हैं, 9 घंटे का पिक्चर, लेकिन उसमें वो सिर्फ 2 ही बार उठी है, कुछ ऐसा ऐसा किया और बैठ गया, मजा नहीं आया। बेवकूफ वो टेस्ट मैच था, वो फिल्म नहीं थी। पागल कहीं कुछ भी बोलता है। पानी पूरी खिलाओ करण सर को। ओह गॉड, ए प्लीज एक मिनट, पहले ग्लव्स है? ग्लव्स थोड़ा बैटिंग थोड़ी ना करनी सर। I can't eat like that. I need gloves. अरे सर इमली का बहाना होता है, मेन खट्टा तो हाथ का ही होता है। अरे ऐसा आप कुछ भी मत बोलिए, हम सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और जब से मोदी साहब बोले हैं ये सफाई अभियान चलाए तब से तो हफ्ता में 2 बार नहा भी रहे। सैनिटाइजर है, एक टिश्यू है, इधर ये पूरा डस्टबिन लेके घूम रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ये आप प्लीज ग्लव्स लीजिए और आप भी खुद पहनिए। हैं? आप लीजिए। क्या बात है सर, इतनी तैयारी तो कभी मैंने डॉक्टर को नहीं करते देखा बाईपास सर्जरी करने से पहले।
चक्के देखिए और बताइए कैसा। लीजिए सर, ट्राई कीजिए सर। अरे खाइए ना। कर मजा आ रहा सर, अंदर कुछ झुरझुरी सी हो रही है। राहुल जी देखिए, बड़का लेके छुटका लेके या पिद्दी? मुझे लगता है आपको सबको खिलाना पड़ेगा। सबको पानी पूरी खाने में हम लोग जैसे ये पूछना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि करण सर कईयों की प्रॉब्लम करता क्या होती है, लड़कियां लिपस्टिक लगा के आती तो कहीं मिस ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो मुंह कम खोलती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन इंटरेस्टेड है। अरे मुंह खोल लेती है। प्रणाम। रेखा जी ने हाथ खड़ा किया है, वो पानीपुरी खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं लेके आऊं मैम आपके लिए। इनकी पानीपुरी एक एक लाख की हो जाएगी जिस दिन आपने इनकी पानीपुरी खा ली। हाँ, सच में महंगा पानीपुरी वाला हो जाएगा। आप लेके जाओ, हम नहीं आ रहे साथ में। बिल्कुल ओके, आइए। एक मिनट। हाँ, जिंदगी में कभी सोचा था रेखा जी आपकी पानीपुरी खाएंगे? खा के देखिए आप। सच्ची मुचिका जी, बिल्कुल जबरदस्त है एकदम। इधर दीजिए, इधर भी दे रहे, रुकिए एक मिनट। हैदर में बहुत जोरदार एक्टिंग करी, भूख लगी, इनको भी एक चेक करवाइए। इनको आप अपने हाथ से खिलाते हैं, लीजिए। खिला दो, मुझे रेखा मैम खिला देंगे। अरे नहीं, अच्छा हम माधुरी जी को अपने हाथ से खिलाते हैं। माधुरी जी को तो आज तक डॉक्टर ने नहीं खिलाई, तुम कैसे खिलाओगे? हटो, बदतमीज आदमी। माधुरी जी को खिलाएंगे पानीपुरी तो क्या करें अभी, थोड़ा सा भाव चढ़ने लगते हैं। सारी दुनिया जानती है कि माधुरी जी के साथ हर कोई रोमांस करना चाहता है फिल्मों में। डॉक्टर नेने हमने कभी नहीं उनको देखा कभी माधुरी जी के लिए रोमांस करते। सर मैं चाहता हूं कि आप हीरो के अंदाज में, आप हीरो हैं मतलब, गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग मैन, कौन आपके हाथ से, मुझे पता है इंजेक्शन लेती होंगी लड़के खुश होके, लगाइए ना डॉक्टर ने। तो मैं चाहता हूं सर थोड़ा आप रोमांटिक अंदाज में, आपने पानीपुरी ऑफर करनी है, इट्स अप टू यू माधुरी मैम, अगर आप खाना चाहती। सर अमेरिका में कहां मिलती है ये चीजें? और डॉक्टर है, इनको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं, हाइजीनिक हाथ होते हैं इनके वैसे ही। यस, पूरी नहीं खाई मैंने, जैसे पहले कहा था कि थोड़ा तरीका होता है हमारी जो माधुरी मैम का, तो एक स्टाइल शुरू से रहा है, पानी पूरी आधी तोड़ के आधी लीक करके, पानी पानी उधर, पानी इधर, पूरी इधर, क्या बात है। डॉक्टर साहब आज आपसे एक रोमांटिक डायलॉग तो सुनना है हमने। सर ऐसी बीवी हो आदमी को तो नींद नहीं आती, आप बोलते क्यों नहीं? हिंदी नहीं आती ना। हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश वाले बंदों की तो फीलिंग और ज्यादा निकलती, मुझे पता है। तो इनको तो चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, मेरे को बात बताएं, अगर ये आप इनको खिला देंगे तो इनको हिंदी भी आ जाएगी, हिंदुस्तान का है, खा के तो देखिए। धन्यवाद। आप खाइए। क्यों, ये पानीपुरी मुंशी प्रेमचंद ने बनाई थी? अगर हिंदी कैसे आ जाएगी इनको, हम बुलवाना चाह रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप भी खिलाइए यार, शादी में कभी मौका नहीं मिलता ये सब चीजों का। जी क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस सर। दो लाइनें और बोलिए आप। मेरा हिंदी बहुत ही अच्छी नहीं है। नहीं सर, आपकी वाइफ इतनी अच्छी, हिंदी अच्छी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। करण सर, डॉक्टर साहब को हिंदी ज्यादा नहीं आती है, उनको बस बोल दो, कह दे कि मेरे पास माधुरी है बस। सर एक सेकंड नीचे तो आओ, क्या हो गया आप? मैं शर्मा रहा हूँ आपसे। शर्मा क्यों रहे हो सर आप? आई डोंट लाइक रही है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब को एक तो आप डायलॉग सिखाए प्लीज। राम बोलो, लुक एट योर वाइफ एंड से कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। अरे वाह, वेल डन, थैंक यू राम, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्पॉट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। रेखा जी के कितने हुए? रेखा जी के तो सिर्फ 12 रुपए हुए हैं। माधुरी जी के कितने हुए? इनके कुछ 150 हुए। 150 हुए। क्या है उस बैग में पैसे? सीरियसली क्या है यार, इतने बड़े स्टार्स और वो भी ऐसे पॉकेट में आ गए हैं। आप बैग ले लूं मैं? डॉलर होगा तो वो दे दीजिए, चलेगा। इनका $150 हुआ। सर एंकरिंग तो पार्ट टाइम जॉब। राम हैज मनी। होस्ट तो हम ऐसे कर रहे हैं, मेन काम हमारा पानी पूरी का ही है जी। थैंक यू, शुक्रिया सर। आई गॉट 100 rupees फ्रॉम माधुरी दीक्षित। इतने बड़े बड़े लोग और 100-100 के नोट रख रहे हैं, 1000 के रख। एक और खिला देंगे। रेखा जी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इन आँखों के मस्ते मस्ते क्या मस्ताने हजारों हैं। आँखों की लेकिन आपका ये जो हार है ये करोड़ों का है। मैंने ये पहना, आपको कैसे याद है? मुझे सब कुछ याद है आपके बारे में। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार। करण सर आप दो दो माइक लेके क्यों बैठे हुए हैं? आपका इधर भी लगा, इधर भी पकड़ा हुआ। मैं हर तरफ से अपने आप को लगाता हूँ माइक। एक माइक
प्लीज मुझे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। माइक मैं फ्री नहीं जा सकता यहाँ से। रेखा जी ये जादू की छप्पी नहीं है, करोड़ों की छप्पी थी कपिल, आपको नहीं मिला। एक सेकंड, रेखा जी आपने करण सर को तो जप्पी दे दी, इनको किस से जप्पी टुलवाए अब? हमारा ये बोलते हैं कि या तो रेखा जी पेमेंट करें गोलगप्पे की पानीपुरी की, या सबको पता है रेखा जी कितना सुर में गाती हैं। हाँ। रेखा जी सबके सामने मैं आपका पोल खोल दूं, ये मेरे लिए उन्होंने एक गाना गाया था बस में, वो ही गाना आप अभी गाएंगे तो मैं बस मानूं। में गाया था बस जी वैन में, एक ही बात है बस। अच्छा, वैन कौन सा सुनना चाहेंगे आप? वो ही गाना जो आप वैन में गा चुके हैं, बहुत अच्छा पंजाबी वाला। ओके, पंजाबी वाला जी, हिंदी वाला गाया? अच्छा जो भी हिंदी वाला। हुस्न मालिक तमाम फूलों का, हुस्न मालिक तमाम फूलों का, इश्क भी है गुलाम फूलों का। क्या बात है, ये हुई ना बात। जोरदार तालियां कपिल जी के लिए, जीते रहिए जीते रहिए, बहुत बहुत खूब। करण सर आपको एक गाना गाना पड़ेगा। रेखा मैं बिल्कुल नहीं गा सकता, मैं बेसुरा रहा हूँ, मैं बेसुरा रहा हूँ, लेकिन शो बेसुरा नहीं है, वापस जाए, बहुत सारे अवार्ड दे देने लायक। तो पैसे माफ रेखा जी को, रेखा जी को सौ खून माफ। ओके, अरे पर हमारे को तो पैसा दिलवा दो जाए भाई, लेकिन ये टब्बू को देना चाहते थे, इन्होंने व्रत रखा है आज। क्या? कौन सा? हाँ। पता नहीं, जो भी आज का व्रत होगा। कौन सा व्रत रखा? नहीं, दोनों का व्रत सेम है अभी। अच्छा। तक जो मिला नहीं है। ओ जी क्या कुछ सुना? आई कैन गो ना? ओके करण, सॉरी सॉरी, वन सेकंड। ओह गॉड, आलिया हाय। हाय करण, एक सेकंड। हाय हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो आलिया? आई एम वेरी सॉरी ऐसे यहाँ पे आने के लिए, बट मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। अरे यू डोंट हैव टू डार्लिंग, आई नो कि टू स्टेट्स में दो तीन ज्यादा किसेस कर लिए थे तुमने अपने मन से। यू आर एन एक्साइटेबल काइंड ऑफ गर्ल, आई नो इट। नहीं वो बात नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह, सुपर टाइमिंग, यही मौका है 2015, आगे सोना महंगा हो रहा है। शादी ये करने वाली है, तुम एक्साइट हो रहे हो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है शादी करने की, तुम यू आर वेरी यंग आलिया, तुम्हारी उम्र नहीं है। सर सरकार ने फिक्स कर रखी है 18 साल, उसके ऊपर एक डेढ़ साल ऊपर ही है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कर देना उनको। अरे तुम चुप करोगे, तुम किससे शादी करना चाहते हो आलिया? कोई एक्टर है? टेल मी। हाँ एक्टर। कौन है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट मी नो, आई वांट टू नो। ओके, वो लड़का है। हाँ कपिल। क्या? व्हाट? क्यों? मतलब थैंक यू, मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड आलिया? प्लीज करण, आज मेरे माइंड की कोई बात नहीं होगी, माइंड को वहां पे रखो, मैं आऊं। I'm sorry, लेकिन how can you even think of this? This. भाई फिर ठीक है। मेरी क्या problem है सर? मेरी body में क्या chlorine कम है? What happened, ma'am? You're referring. ऐसा मत बोलो, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आप ही ने कहा था ना कि opposites attract. I think मुझ में और कपिल में ना सब कुछ उल्टा है, so he's my perfect match. थैंक यू करण सर, मुझे पता नहीं था आप, मतलब बाहर से जितने स्ट्रांग दिखते हैं आप अंदर से उतने सॉफ्ट हैं सर। मैं बाहर से भी सॉफ्ट हूँ। आई लव यू करण सर, कैन यू प्लीज रिमूव योर बॉटम, आई वॉन्ट टू टच योर फीट सर। व्हाट? नो नो नो, हेलो एक्सक्यूज मी, प्लीज रोको, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ आलिया? तुमने क्या सोच लिया कि तुम शादी ऐसी कर लोगी? तुम्हें पता है कि तुम कैसे लगोगी कपिल के साथ? Have you ever visualized what you look like with Kapil Sharma if you get married? No. Let me show you. Have a look. मियां बीवी लगेंगे और क्या लगेंगे? Oh my God! कितना अच्छा है, हमारे बच्चे भी director निकलेंगे दोनों। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आलिया ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको दूसरे तरीके से मनाना पड़ेगा। समझ गए। Emotional. What do you mean? के साथ। मैं तेनू समझावा कि ना इनके बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार दा, तू पप्पा तू यू माँ है मेरी, माँ है मेरी। इनफ,
मैं तो समझ गया, तुम समझोगी, तुम दोनों कंपैटिबल नहीं हो। क्या नहीं हो? अरे इसको कंपैटिबल का मतलब नहीं पता, मीनिंग तुम दोनों एडजस्ट नहीं कर पाओगे कपिल। सर क्या होता है, आप क्यों ऐसी बार बार बातें कर रहे हो? क्या कंपैटिबल नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो? मियां बीबी में जो करना होता है वो मेरे को पता है। प्यार से रहेंगे, ऐसे खुशी से रहेंगे। ठीक है, मैं टेस्ट लूंगा जी और मैं तय करूंगा इफ यू टू आर कंपैटिबल और नॉट। ठीक है, ऑलराइट। आलिया तुम अपने कपड़े कहां से सिलवाती हो? मनीष मल्होत्रा से। और तुम? कमलजीत टेलर साइन कोलीवाड़ा। देखा, सी द डिफरेंस? क्या फर्क है सर? तो मनीष मल्होत्रा कौन सा कैंची लेके खुद काटते होंगे, सिलवाते वो भी वहीं से ही हैं। ऐसा बोलने में आता है कि ही डिजाइन बाय मनीष मल्होत्रा। ओके, एनीवेज कपिल ये बताओ कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है? जो मिल जाए सर, जो भगवान को। सी पॉवर्टी। और आलिया तुम्हें? मुझे थाई खाना पसंद है। सुना, आलिया को थाई पसंद है। मैंने सुना है, लेकिन मैं किसी की थाई नहीं खा सकता, मैं वेजिटेरियन। तो स्वीट सी? स्वीट में इमरती मंगा लेते हैं। अच्छा, यू फाइंड दैट स्वीट? माय लास्ट क्वेश्चन कपिल, क्या तुम आलिया को शादी के बाद फिल्मों में काम करने दोगे या नहीं? करने दोगे का क्या मतलब? खाना कहां से खाएंगे हम? काम करेगी तो खाना खाएंगे ना। मतलब तुम शादी के बाद काम नहीं करोगे? हाँ करूंगा, और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन ये काम वाम पैसे कमाने वाला नहीं होता, तुम करो ना यार। तू आलिया भट्ट से शादी करके भी मैंने काम ही करना है, तो मैं राजकुमार राव से ना कर लूं शादी, मेरे को क्या फायदा? सुन लिया, अभी शादी करोगे कपिल शर्मा से? कपिल, दिखा दिया तुमने अपनी औकात। मैं ना सिर्फ हम्पी शर्मा की दुल्हन हूं, बाय। हम्पी शर्मा खुद दाढ़ी रख के बंगला बदला कर रहा है हम्पी शर्मा। सुन लिया, आगे बढ़ो। ओके सर। अरे व्हाट, इट्स ओके, इवन आई यू डोंट डिजर्व आलिया भट्ट। सर मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। हाँ। आपने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, अभी इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, टचवुड हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है सर फर्क क्या आया? बहुत आया, टेक्नोलॉजी बहुत सब चेंज हो गया है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट न्यू वर्ल्ड टुडे। जो पुराने डायलॉग्स होते थे, हाँ, जैसे गाने भी होते थे, मान लो एक पेड़ के इर्द गिर्द जैसे हीरोइन घूमते थे, मोरे पिया, आपको क्या लगता है कि हमारी जो आजकल की हीरोइन है वो वैसे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, देख लो, छोटा सा टेस्ट हो जाए, टेस्ट कर लो। मेरा घूम फिर के ध्यान ना दीपिका की तरफ जाता है, मेरे को माफ कर देना भगवान, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं चेक कर लूं सर? बिल्कुल जाकर चेक कर लो। ओके, मैं अपने मन से डायलॉग बोलूं कोई? हाँ बिल्कुल, आप जाइए, आपको ये समझ आ रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। ओके, सिचुएशन आपने देनी है, लेकिन हाँ हीरो हीरोइन वाली सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है, रोमांटिक। दीपिका को शाहिद की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहना है? दीपिका मेरी आंखों में नहीं बोल सकती, मेरे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है सर। आप क्या बीच में घुस रहे हैं, यहाँ रोमांस अच्छा लगेगा, और ये बीच में कोई बैठे हुए अगर वो उठ जाए तो गनीमत है। थैंक यू सर। ये उठ क्यों नहीं रहे? लेकिन ये सर, बीच वाले कुर्सी घर से लाए, कौन है? रणवीर सिंह ने भेजा है क्या? कौन है? हेलो, उठिए। दीपिका आपको एक डायलॉग बोलना है, मूड करण सर बताएंगे। जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। मूड ये है कि आप आईसीयू में है और मरने वाली है, और ये आपके लास्ट वर्ड है। सर मैं मेथड एक्टर, आई नेवर बीन टू द आईसीयू। अच्छा सेक्सी कर दो, सेक्सीली बोल दो, वो सबको आ जाता है इमीडिएटली। जब तक वो ऐसे सेक्सीली बोल दो, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी हाँ। सांसें चलेंगी, हाँ सिडक्टिव मूड में। अरे यार मैं तो इमेजिन करके शर्म आ गई। मेरे पैर चलेंगे तो बोलो ना। अरे जब आपके पैर जो हैं जो चलेंगे तो कोई क्या देखेगा, आपको क्या सुनेगा? They'll die looking at your beautiful legs only। हाँ चलो, वैसे कोई सेगमेंट था ही नहीं हमारी स्क्रिप्ट में, जस्ट वांटेड टू टॉक टू दीपिका। ओके, जोरदार ताली दीपिका के लिए। टबू को बोलना है ये डायलॉग, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन। बड़ा अवार्ड जीतते आ रही हो, करके दिखाओ। रेखा जी इज डूइंग एक्शन। कैसे मतलब? यू हैव टू से इट सेडक्टिवली। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूसरा लखन। हाँ ओके, मेरे दो अनमोल रतन, ओह एक है राम तो एक लखन। ओए है सिद्धार्थ को आंखों में आंखें डाल के श्रद्धा की डायलॉग बोलना है। हाँ, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मूड सर अलग होना चाहिए, रोमांटिक नहीं, शुड नॉट बी रोमांटिक। एकदम कमीना स्काई। एक जो हमारे विलन है जो रंजीत जी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते,
वाह सुपर थैंक यू वेरी सुपर वापस आ जाओ मेरा एक ही अनमोल रत्न एंड चलिए कपिल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स जो है बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट के लिए लेकिन करण सर इस साल कई प्रॉप्स ने भी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स किए हैं मेरे हिसाब से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए पीके का रेडियो मैरी कॉम के ग्लव्स हैदर का स्कल आलिया के लिप्स दो मिनट रखिए अच्छा लग रहा है ओके और हैप्पी न्यू ईयर के विवान आप प्लीज विनर अनाउंस करेंगे आप करिए सर आप प्रोड्यूसर हैं अवार्ड गोज टू पीके का रेडियो क्योंकि अगर वो सही जगह पे सपोर्ट नहीं करता तो सेंसर बोर्ड फिल्म को बिल्कुल पास नहीं करती राइट right?